प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-22 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। बता दें कि किसी भी भारतीय पीएम की पोलैंड की पिछली यात्रा 45 साल पहले 1979 में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 2 दिवसीय पोलैंड यात्रा पर गए थे। पोलैंड में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। वारसॉ में प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान पोलैंड के प्रधानमंत्री ने रशिया यूक्रेन युद्ध पर कहा कि ये संघर्ष हमारे लिए चिंता की बात है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध भूमि में नहीं हो सकता। दोनों देशों के पीएम ने रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने व्यापार और निवेश, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, रक्षा, सांस्कृतिक सहयोग सहित द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। पोलैंड के पीएम के साथ बैठक के बाद मोदी ने प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। अपने उद्बोधन के दौरान पीएम मोदी ने पोलैंड के साथ भारत के मजबूत संबंधों का बखान किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने पोलैंड के साथ राजनयिक वर्षगांठ के 70 साल पूरे होने पर दोनों देशों के संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का भी ऐलान किया। इस दौरान टस्क ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि पीएम मोदी ने युद्ध को तुरंत शांतिपूर्ण और न्यायसंगत तरीके से समाप्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने आगे कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने में भारत सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा करने के बाद शुक्रवार सुबह यूक्रेन पहुंचे। राजधानी के पहुंचने के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। कीव में पीएम मोदी ने शांति का संदेश दिया। यहां राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। पीएम मोदी ने इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने रूस दौरे का भी जिक्र किया और उन्होंने खुद बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की आंख में आंख डालकर उन्होंने क्या कुछ कहा था। मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मैरिंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। उन्होंने ज़ेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत उनके देश और रूस के बीच जंग खत्म कराने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा, जब आप कुछ बातचीत शुरू करते हैं तो आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि फिर से मुलाकात करना अच्छा रहेगा और अगर हमारी बैठक भारत में होगी तो मुझे खुशी होगी। वहीं पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर अमेरिका व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना संघर्ष खत्म करने में मददगार साबित हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि भारत अमेरिका का एक मजबूत साझेदार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में संघर्ष को खत्म करने की कोशिश में मददगार बनने के इच्छुक किसी भी अन्य देश का स्वागत करता है। साथ ही कीव भी एक शांतिपूर्ण समाधान में अपना योगदान दे सकता है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस